हर जरा को टकराए वह दिल डूबा जाए। आजा प्यारे प्यास हमारे, खाए घबराए। लव यू सर। मेरे दोस्त, किस्सा ये क्या हो गया? दोनों हम उम्र, सचिन तेंदुलकर 51 साल के तो विनोद कांबली 52 के, दोनों ने बचपन में क्रिकेट की शुरुआत मुंबई के शिवाजी पार्क से की। दोनों के एक ही गुरु दिवंगत रमाकांत आचरेकर। शुरू में विनोद और सचिन दोनों की प्रतिभा एक जैसी थी। सबूत है 1988 में हैरिस शील्ड स्कूल टूर्नामेंट में दोनों की साथ खेली गई 664 रन की अटूट पारी, जिसमें विनोद ने 349 नॉट आउट और सचिन ने 326 नाबाद रन बनाए। लेकिन विनम्रता और अर्जुन की तरह मछली की आंख पर हमेशा फोकस रखने की वजह से सचिन तेंदुलकर उस अर्श तक पहुंचे जहां उन्हें क्रिकेट का गॉड कहा जाने लगा। वहीं विनोद कांबली के सिर पर करियर के शुरू में ही मिली कामयाबी इस कदर चढ़ी कि जल्द ही ये होनहार क्रिकेटर फर्श पर आ गया। हाल ही में 2 दिसंबर 2024 को मुंबई में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली आपस में मिले। मौका था शिवाजी पार्क में रमाकांत आचरेकर मेमोरियल के अनावरण का। दोनों की इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विनोद कांबली शारीरिक तौर पर जिस हालत में दिखे वो उनके फैंस के लिए बड़ा झटका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सचिन जब कुर्सी पर बैठे विनोद के पास आते हैं तो उन्हें देख विनोद पहले चौंकते हैं, फिर सचिन के दोनों हाथ पकड़ साथ बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ में बैठा शख्स विनोद को ऐसा करने से रोक देता है। फिर सचिन मंच के बीच की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे खड़े होते हैं। फिर सचिन गुरु रमाकांत आचरेकर के स्मारक का अनावरण करते हैं। विनोद कांबली को इस मौके पर एक गाना भी गाते सुना गया। हर जरा को टकराए वह दिल डूबा जाए। आजा प्यारे प्यास हमारे, खाए घबराए। लव यू सर। मानो सचिन को विनोद इस गाने से सुनाना चाह रहे हो, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। सोशल मीडिया यूजर्स दोनों की जर्नी पर कमेंट कर रहे हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, जिस तरह से विनोद कांबली ने सचिन तेंदुलकर को छुआ वो दिल को तोड़ने वाला और दुखद है। एक अन्य यूजर ने लिखा, विनोद कांबली बनना आसान नहीं है, कामयाबी मिलना फिर सब कुछ गंवा देना, फिर हसरत भरी निगाहों से वो सब देखना जिस पर आपका भी हक था। सचिन तेंदुलकर बनना भी आसान नहीं है, कामयाबी मिलना फिर भी सितारों की चमक से चकाचौंध हुए बिना मेहनत करते रहना, राह भी आपकी मंजिल भी आपकी। विनोद कांबली का कुछ दिन पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिनमें उन्हें काफी मशक्कत करते देखा जा सकता था। विनोद कांबली का पारिवारिक जीवन भी खुशहाल नहीं रहा। विनोद कांबली ने पहली पत्नी नोएला लुइस से तलाक लेने के बाद 2010 में मॉडल एंड्रिया हैविट से शादी की। दोनों का एक बेटा भी है। फरवरी 2023 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि नशे में विनोद कांबली ने एंड्रिया के सिर पर खाना पकाने वाले बर्तन का हैंडल फेंका, जिससे एंड्रिया को चोट आई। एंड्रिया ने इसकी शिकायत बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज भी कराई थी। देश रामा आपको इस स्टोरी में विनोद कांबली के क्रिकेट सफर के बारे में बताने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। कांबली को करियर की शुरुआत में सचिन जितना ही टैलेंटेड माना जाता था, सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय के तौर पर आज भी विनोद कांबली का रिकॉर्ड कायम है। कांबली ने 12 टेस्ट की 14 पारियों और 1 साल 293 दिन में ही ये मकाम हासिल कर लिया था। लेकिन कांबली जल्दी ही करियर में कई उतार चढ़ाव देखते हुए
क्रिकेट के इंटरनेशनल स्टेज से गायब हो गए। वो अपने करियर में 17 टेस्ट और 104 वनडे खेल पाए। आज हालत ये है कि पम्बली आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पम्बली की आय का साधन BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से पूर्व क्रिकेटर के नाते मिलने वाली 30,000 रुपए की पेंशन है, लेकिन आज के दौर में मुंबई जैसे महंगे शहर में घर चलाने के लिए ये रकम पर्याप्त नहीं है। कामली ने 17 टेस्ट मैच में 1,084 रन बनाए, इनमें 2 बैक टू बैक डबल सेंचुरी समेत 4 शतक शामिल थे। कामली ने 104 वनडे में 2 शतक समेत 2,477 रन बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।